सभी किसान जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पिछली किस्त 27 जुलाई को जारी हुई थी और इसी हिसाब से देखें तो अगले 4 महीने पूरे 27 नवंबर को पूर्ण होते हैं और अभी नवंबर महीना शुरू हो चुका है। हालांकि किस्त 27 तारीख से पहले आएगी, चाहे वो दीपावली पर हो चाहे चुनाव से पहले हो, लेकिन हो सकता है कि ये 27 तारीख है इसकी लास्ट डेट है 27 नवम्बर, और 27 नवम्बर यानी नवंबर महीना शुरू हो चुका है तो अगले 15-20 दिनों में किस्त कन्फर्म आने वाली है। और अब 27 तारीख से पहले पहले या फिर हो सकता है कि 27 तारीख को किस्त कौन कौन से किसानों के खातों में आएगी, तो इसके लिए आपका पेमेंट स्टेटस और इंस्टॉलमेंट स्टेटस है, यानी आपके पेमेंट स्टेटस में पिछली किस्त है वो 27 जुलाई को मिली होगी, तभी अगली किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे उस समय मिलेगी। अगर आगे पीछे मिली है तो आपको ये पैसा नहीं मिल पाएगा, आगे पीछे ही पैसा आगे मिलेगा। दूसरी बात पात्रता स्टेटस, इसमें आपकी लैंड सीडिंग, EKYC, आधार बैंक सीडिंग वो भी सही होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक सही किसान का स्टेटस, जैसा कि यहाँ पर मैंने एक सही किसान का स्टेटस आपके सामने ओपन कर रखा है। इस किसान का लैंड सीडिंग व आधार बैंक सीडिंग, EKYC तीनों चीज़ बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर इसका देखिए 14वीं 13 किस्तें पहले मिली थी, 13वीं किस्त वो 26 तारीख को मिली थी, यानी जो 26 के बाद 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 जुलाई को किस्त जारी की थी उस समय इसको पैसा मिल गया था। अब इसकी अगली किस्त में है वो एफ2 प्रोसीड यानी फंड ऑर्डर अभी तक नो है, लेकिन वेटिंग फॉर अप्रूवल का अपडेट आ चुका है। इसका मतलब है कि फॉर्म की जाँच वगैरह शुरू हो चुकी है और अब ये फंड ऑर्डर है वो सरकार किस्त जारी करने से 2-4 दिन पहले है वो यस कर देगी। सरकार फंड ऑर्डर देते ही है वो माननीय प्रधानमंत्री जी बटन दबा कर जब पैसा देंगे उस समय आपके बैंक खाते में 2000 रुपये की किस्त है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। अब यहाँ पर आपको और क्या चेक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका PFMS रिस्पॉन्स स्टेटस है वो आपका सही होना चाहिए, यानी आपका स्टेटस सही होने से नहीं है बल्कि PFMS बैंक यानी जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो सरकारी योजनाओं का पैसा भेजने का काम करता है, PFMS रिस्पॉन्स स्टेटस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर आपको PFMS का लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका गवर्नमेंट फंड स्टेटस यानी आपका जो पहले वेटिंग फॉर अप्रूवल, उसके बाद RFT साइन बाय स्टेट, उसके बाद पेमेंट प्रोसेड, ये प्रक्रिया आप खुद जानते हैं। अब DBT आपके बैंक खाते में इनेबल होना चाहिए, NPCI आधार के साथ लिंक होना चाहिए, ये आप सभी जानते हैं। आधार बैंक खाते के साथ NPCI के माध्यम से लिंक होगा, सरकार अब आधार के माध्यम से पैसा भेज रही है तभी आपको मिलेगा। अब DBT का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी सरकार बटन दबाकर डायरेक्ट बैंक खाते में पैसे भेज देती है, इस प्रक्रिया को DBT बोलते हैं और ये आपके बैंक खाते में इनेबल होना जरूरी है। अब DBT का स्टेटस भी आप मात्र आधार नंबर से चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है वहाँ पर जाइए और DBT स्टेटस चेक कीजिए। DBT स्टेटस, PFMS स्टेटस आसानी से बिल्कुल फ्री में घर बैठे ही मात्र 2 मिनट के अंदर चेक कर सकते हो। धन्यवाद किसान मित्रों, अगर ये सभी प्रक्रिया आपके स्टेटस में सही है तो आपको 2000 रुपये की किस्त अगले 15-20 दिन के अंदर मिल जाएगी। धन्यवाद।